बाइक के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत और ट्रैक से मंच की ओर आते हुए जहां पर कि वहां शिलान्यास किया जाएगा इस ट्रैक का और बहुत बहुत बधाई। खासतौर से पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए कि पूर्वी दिल्ली को इतना खूबसूरत ट्रैक मिल रहा है। मनीष सिसोदिया जी थोड़े से मुझे लगता है प्रेजुडिस है अपने विधानसभा में, लेकिन अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करता हूं आसपास की जितनी आरडब्ल्यूएस है यहां से सब बहुत सारी आरडब्ल्यूएस आज यहां पे आई हुई हैं। यहां के लोग आसपास के लोग यहां के बच्चे पूर्वी दिल्ली के बच्चे इसका भरपूर फायदा उठाएंगे, खूब फायदा उठाएंगे। अभी कहा जा रहा था कि 5 करोड़ की लागत से ये ट्रैक बनाया गया है। 5 करोड़ कुछ भी नहीं होते अगर आप लोगों ने रोज सुबह शाम इस ट्रैक का फायदा उठा के अपनी सेहत अच्छी कर ली तो हमें लगता है ये 5 करोड़ तो हमें 5 दिन में वसूल हो जाएंगे। जरूरत ये है कि इसको खूब जम के इस्तेमाल करना है। इंटरनेशनल लेवल का, वर्ल्ड क्लास लेवल का ये ट्रैक है और मुझे बताया गया कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाद ये दूसरा ट्रैक ऐसा बना है। कुछ प्राइवेट स्कूलों में हो सकता है लेकिन सरकारी महकमे में ये दूसरा ट्रैक है पूरी दिल्ली के अंदर। तो पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इंटरनेशनल लेवल का ट्रैक आज पूर्वी दिल्ली में बनके तैयार हो गया और अब लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। पिछले 2-2.5 साल से जब से सरकार बनी है दिल्ली में स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए कई स्तर पे दिल्ली को रिप्रेजेंट किया है, ये मेडल कमाया है। मैं भी फिलीपींस से आया हूँ, एशिया में मैं मेडल एशिया के लेवल पे मेडल जीत के आया हूँ। अब सरकार मेरी मदद करे। अभी तक इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं थी, अब दिल्ली सरकार अगले महीने पॉलिसी लाने जा रही है कि अगर दिल्ली का रहने वाला कोई भी बच्चा कोई भी व्यक्ति किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है तो उसके आगे का सारा खर्चा, उसकी ट्रेनिंग का खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा, उसके ट्रेवल का खर्चा, उसके रहने का खर्चा, उसका पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। हम चाहते हैं कि आप लोग देश का नाम रोशन कर रहे हैं, दिल्ली का नाम रोशन कर रहे हैं, उसमें अगर हम थोड़ी सी भागीदारी कर सके तो बहुत खुशी होगी। दूसरे स्तर के ऊपर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी स्कूल के लेवल पे हैं, वो कहीं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नहीं गए लेकिन उनकी प्रतिभा अभी से छलकने लगती है, अभी से पता चलने लगता है कि अगर इस बच्चे को मदद मिल जाए और इस बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए तो ये भविष्य के अंदर देश का नाम रोशन कर सकता है। इस किस्म के कुछ 1000 बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और दिल्ली सरकार उनको शुरू से लेकर अंत तक उनको ग्रूम करेगी और उनको हर तरह की ट्रेनिंग दिलवाएगी, उनको हर तरह का सहयोग करेगी। और तीसरे स्तर पे हम चाहते हैं कि दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खेले, कुछ भी खेले लेकिन दिल्ली में स्पोर्ट्स शुड बिकम अ वे ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स शुड बिकम कल्चर। लेकिन वो तब हो सकता है दिल्ली इतना
घना शहर है, इतनी डेंस पॉपुलेशन है, खेलने के लिए पार्क नहीं है, खेलने के लिए सुविधाएं नहीं है, तो तभी हो पाएगा जब दिल्ली के अंदर जगह जगह खेलने की सुविधाएं तैयार की जाएंगी। उसी दिशा के अंदर मुझे लगता है आज ये जो सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया ये और ये पूरा स्टेडियम, इसमें बताया गया कि बहुत सारी और फैसिलिटीज आने वाली है आने वाले दिनों के अंदर, इसमें और बहुत सारी खेल की सुविधाएं तैयार होंगी, बहुत सारे खिलाड़ी अपना प्रैक्टिस करेंगे, इससे बहुत सारे खिलाड़ी निकलेंगे। लेकिन इसकी नींव की इंजीनियर ने रखी, इसको मूर्त रूप से इंजीनियर ने दिया, उनके लिए भी हमें जोरदार तालियां बजानी चाहिए, नहीं क्या? हमारे 3-4-5 इंजीनियर साथी पीछे हैं, इन्होंने इसको इतने शानदार ट्रैक को, इतनी खूबसूरत ट्रैक को हमारे लिए बनाया है, इनके लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, इनके लिए तालियां, क्योंकि अगर ये ईमानदारी से, इतनी तेजी से, इतनी मेहनत से काम नहीं करते तो इतना खूबसूरत ट्रैक हमें इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलता। आज पटना विधानसभा के लिए और भी सौभाग्य की बात है, हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, स्पोर्ट डिपार्टमेंट के लिए, कि खेल जगत की 3 अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां, 4 अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां हमारे बीच में यहाँ पे बैठी हुई है, जिनको हम बड़ी बड़ी ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में भारत का तिरंगा लहराते हुए बहुत जोर से अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए जब देखते थे कि इन्होंने हमारे लिए मेडल जीत के लाए देश के लिए, आज वो खुद हमारे बीच में है। कर्णम मल्लेश्वरी जी अभी थोड़ी देर पहले जब बोल रही थी तो कह रही थी कि कोई भी स्पोर्ट्स ग्राउंड हमारे लिए मंदिर जैसा होता है, तो मैं इन खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं कि आप जैसे खिलाड़ी फिर उसमें देवता जैसे होते हैं, आप जैसे लोगों को देख के ही हम इसको आगे बढ़ा कर सकते हैं।